आप देख रहे हैं न्यूज 24। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं पत्रकार राजीव किसे, भालकी तालुका। भालकी तालुके में ये सायगांव तांडा है। सायगांव तांडे का व्यवस्था स्कूल का बहुत खराब है। ये स्कूल करीबन बहुत पुराना है। ये पुराना स्कूल है यार, यहाँ राष्ट्रगीत भी नहीं होता। क्यों नहीं होता राष्ट्रगीत? तो पूरे गांव का पानी आता, एक ग्रामवासियों का कहना है जी। ये क्या हालत है, आप उन जानेंगे इनसे। सर, यहाँ पर स्कूल बहुत साल से है, ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर स्टाफ लोग का कम है। तीसरी बात, यहाँ पर स्कूल में बच्चों को ठहरने के लिए जगह नहीं है। तो ये इस वजह से यहाँ पर ग्राउंड प्ले ग्राउंड में जितना पानी जाता है उतना पानी कभी किसी नदी में भी नहीं जाता है। उससे भयंकर यहाँ पर नाला आता है पानी का, और पूरे गांव का पानी ये स्कूल के नीचे से जाता है हमारा पानी। इसीलिए ये पूरा जो पुराना स्कूल है वो डेमोलिश को आ चुका है, फिर भी यहाँ पर बीओ ऑफिसर और DDPI और BRC ये तीन ही ऑफिसरों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर स्कूल जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनका भविष्य यहाँ पर पूरी तरह से खराब हो चुका है। सर, यहाँ पर मास्टर्स कितने हैं? सर, यहाँ पर खाली दो स्टाफ है। एक तो परमानेंट टीचर है, वो भी मराठी माध्यम के लिए है, और जो गेस्ट टीचर है वो कन्नड़ा माध्यम के लिए है। ये स्कूल जो है, आप तक आपने किसी को RG में दिए? सर, यहाँ पर BRC, BO, DDPI तीनों ऑफिसर को लेटर जा चुका है हमारी तरफ से, और हेडमास्टर भी 2-3 बार जाके मिल चुके हैं कि हमारी स्कूल की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है, आप उसके कुछ तो भी दुरुस्त करिए बोल के। फिर भी उनका अभी तक रिप्लाई कोई नहीं आया। यहाँ पर 5वीं कक्षा तक बच्चे पढ़ते हैं, और मास्टर साहब स्टॉप बोले तो एक ही है। सर जी, ये कीचड़ कहाँ से पानी आता, और ये पूरा जो है देश का, यहाँ राष्ट्रगीत नहीं होता? राष्ट्रगीत नहीं होता सर, यहाँ पूरा गांव का पानी आता है सर। अब 15 अगस्त में भी यहाँ राष्ट्रगीत भी नहीं होता और झंडा भी नहीं होता सर। ये तो फिर देश का बहुत बड़ा अपमान है सर। अब हमने हमारा करने का काम कर रहे हैं सर, DDPI, BO और BRC वो सब लोगों को कम्प्लेंट करने वाले हैं सर। बच्चे एक देश का भविष्य है, उनका भवितव्य खराब हो रहा, क्यों? तो यहाँ 5वीं कक्षा स्कूल है और स्टॉप एक है, और व्यवस्था ऐसा है। ये व्यवस्था DDPI, BO साहब, संबंधित अधिकारी आके इनको न्याय मिलना चाहिए, ये ग्रामवासियों का कहना है। ये आपको दिखाएंगे कैमरे में क्या हालत है, दिखाइए सर कैमरे मैन। यहाँ आपको दिखाएंगे कैमरे में स्कूल कब का है और ये क्या व्यवस्था है। आइए सर कैमरे में। यही व्यवस्था है सर पूरा? हाँ, यही व्यवस्था है सर। कोई स्कूल के सर दरवाजा खोल दे रहे थे, लई दिवसापासून असंच पडून आहे सगळं। हां सर, और कोई व्यवस्था कोई पडली नाही। अब एक मास्टर कैसा पढ़ेगा सर बच्चों को? हिंदी बोल सर पढ़ाते नहीं यहां पर, मराठी नहीं सर। ये मराठी विषय मास्टर साहब मराठी के है क्या, हिंदी के है क्या, कन्नड़ के है सर? यहां पर स्टाफ बढ़ाना चाहिए, और 5वीं क्लास तक आज भी बच्चे हैं सर। आप आज खुले और डेमोलिश करके फिर से नई तरीका से बन के उसको अच्छी तरीके से साइगो तांडे की स्कूल को आगे तक ले जाना, ये BO साहब से मैं विनती करता हूँ। सर जी, ये जो ग्राउंड है राष्ट्रगीत के लिए कैसा होता है सर? बच्चों राष्ट्रगीत होता ही नहीं सर, इसलिए नहीं होता है कि बच्चों के लिए ठहरने के लिए जगह नहीं होती। तो बच्चे